मेरा नाम ब्रेंडन फेराव है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। तो बेसिकली कल मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड का। तो बेसिकली मैंने खाने के बाद, नॉर्मल डे था, मैं एग्ज़ाम की मेरी प्रेपरेशन कर रहा हूँ अभी, और खाने के बाद जब मैंने खाया, नॉर्मल आइसक्रीम था, मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि ऐसा कुछ लेकिन होने वाला है, तो मैं नॉर्मली खा रहा था। तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो मैंने लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी काटलेट जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो काटलेट का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है, और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पर, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट काँप गया था, मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया। तो मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है, कि पता नहीं है आजकल क्या क्या होता है। कल 26 साल के कंप्लेनेंट शाम को हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि जेप्टो से कुछ उन्होंने सामान मंगाया था, वो सामान में आइसक्रीम भी था, और आइसक्रीम खाते टाइम है उनको एक उसमें एक फ्लेश जैसा एक अंदाजन 1 या 1.5 सेंटीमीटर का मिला। उसके बाद वो लेके वो पुलिस स्टेशन में आए, आने के बाद उनके पास पूछताछ की और हमने उनका FIR लिया, और जो उनको आइसक्रीम में जो पार्ट मिला था वो हमने सीज किया। अभी जो आइसक्रीम में आई थी वो आइसक्रीम वो कहाँ से लिया था, कौन से कंपनी का है, वो हम ट्रेल ढूंढने का भी कोशिश कर रहे हैं। ये जो यमो कंपनी जो है, जहाँ से यमो कंपनी का आइसक्रीम था, तो यमो कंपनी के जो भी कंसर्न संबंधित है उनके ऊपर दर्ज किया। अभी ये बताना मुश्किल है कि वो कौन सा क्या है, आदमी का है, किसका है, कुछ बता नहीं सकते।